वेलकम बैक टू एकेडमी ऑफ बायोलॉजी और मेरे आपके साथ सचिन अंतिम। सो गाइस, आज का आपका टॉपिक है जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, तो देखो, समझते हैं जेनेटिक मटेरियल क्या होता है। जेनेटिक मटेरियल आपको वो सब्सटेंस है विच कंट्रोल फॉर्मेशन एंड एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेड्स, यानी कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में कोई ट्रेड फॉर्म होता है, कोई कैरेक्टर फॉर्म होता है, उसके लिए जो चीज रिस्पॉन्सिबल होती है उसी को हम बोलते हैं आपका जेनेटिक मटेरियल। तो सिंपली इसको डिफाइन कर सकते हैं आपका सब्सटेंस रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन एंड एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेड्स। ठीक है, एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेड्स, तो जो ये चीज ये काम करती है उसी को हम जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं। आज का जो हमारा जो लेक्चर होगा वो टोटली आपका कन्फाइंड होगा जेनेटिक मटेरियल पे, टोटली इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो एक तो हो गया आपका जेनेटिक मटेरियल जो ये काम करता हो, दूसरा आपका जेनेटिक मटेरियल किस चीज का रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर। यानी कि एक पीढ़ी से जो कैरेक्टर्स होते हैं दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, उस चीज के लिए जो चीज हेल्प करती है उस काम में, उसी को हम बोलते हैं आपका जेनेटिक मटेरियल। कई बार क्या बोला जाता है कि इस बच्चे के माता पिता काफी टोल है, इसी वजह से क्या है, टोल है बच्चा। तो माता पिता टोल थे, माता पिता की एक पीढ़ी थी, माता पिता की एक क्या थी आपकी जनरेशन थी। तो माता पिता से जो कैरेक्टर्स बच्चे में गए यानी कि नेक्स्ट जनरेशन में चले गए, तो जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैरेक्टर्स का ट्रांसफर होता है वो आपका जेनेटिक मटेरियल की हेल्प से होता है। तो ये हो गई आपकी बेसिक सी जेनेटिक मटेरियल की डेफिनेशन। तो अब देखो, यही थे जो आपका जेनेटिक मटेरियल होता है उसकी कुछ एक और स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक्स जो उसको जेनेटिक मटेरियल बनाती है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। फर्स्टली, एक तो आपका जेनेटिक मटेरियल कैसा होना चाहिए, आपका स्टेबल होना चाहिए, अनस्टेबल नहीं होना चाहिए। स्टेबिलिटी होगी तभी तो इंफॉर्मेशन वगैरह स्टोर कर पाएगा, स्टेबल होना चाहिए। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक का, इट्स कैन रेप्लिकेट। तो जो आपका जेनेटिक मटेरियल है वो इस तरह का होना चाहिए कि वो खुद की कॉपीज प्रोड्यूस कर सके। ठीक है, तो रेप्लिकेशन होता है आपका प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉपी फॉर्मेशन। ठीक है, तीसरा इसकी क्या फीचर होना चाहिए, इट्स शुड बी एबल टू स्टोर इंफॉर्मेशन, स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन। ये ऐसा होना चाहिए जो इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सके। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर है जो इंफॉर्मेशन आपका जेनेटिक मटेरियल स्टोर करेगा, ये उसको एक्सप्रेस भी कर पाए। तो नेक्स्ट फीचर होना चाहिए आपका एक्सप्रेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, फिर उसी के साथ आपका क्या होना चाहिए, जेनेटिक मटेरियल कुछ इस तरह का होना चाहिए जो उसके जिसके मतलब जेनेटिक मटेरियल के अंदर खुद को वो चेंजेस के अकॉर्डिंग अडॉप्ट कर सके, यानी कि उसमें कुछ चेंज आ सके टाइम के साथ बाय म्यूटेशंस। ठीक है, तो चेंजेस हो सकते हो जिसमें आपका बाय म्यूटेशन, तो इस तरह का आपका जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए। उसके अलावा आपका जेनेटिक मटेरियल कैसा होना चाहिए, जो आपका हर एक सेल में प्रेजेंट हो, प्रेजेंट इन every cell of body। ठीक है, तो ये जो फीचर्स है ये जिस सब्सटेंस में प्रेजेंट होंगे उसी को हम आपका जेनेटिक मटेरियल बोल देंगे। वैसे तो जेनेटिक मटेरियल के लिए हमारे पास दो सब्सटेंस अवेलेबल है, एक डीएनए एक आरएनए, बट जो आपका आरएनए होता है ये आपका मोस्ट ऑफ द वायरसेस का जेनेटिक मटेरियल होता है। अगर बात की जाए मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो आपका डीएनए होता है। ठीक है, तो जेनेटिक मटेरियल हमारे पास क्या है, दो है, एक आरएनए है और एक आपका डीएनए है। जो आपका आरएनए है इट इज जेनेटिक मटेरियल इन वायरसेस, ये आपका वायरसेस का जेनेटिक मटेरियल है।
जो आपका डीएनए है इट इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म, ज्यादातर जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें जेनेटिक मटेरियल आपका डीएनए है, मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो आज हम जिस चीज के बारे में बात करेंगे वो आपका डीएनए है, ठीक है। तो शुरू करते हैं डीएनए से। डीएनए की अगर हम फुल फॉर्म देखें तो क्या है, ये है आपका डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो अब देखते हैं कि जो आपका डीएनए है ये किन चीजों से मिलके बना होता है। डीएनए में प्रेजेंट होती है आपकी पेंटोज शुगर, देन उसके साथ होते हैं इसमें नाइट्रोजनस बेस, एंड इसी के साथ इसमें प्रेजेंट होता है आपका फॉस्फेट मोइटी, या फिर बोल सकते हैं फॉस्फेट ग्रुप, ठीक। अब देखो, जब एक यूनिट में सिर्फ आपका पेंटोज और नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट हो, यानी कि अ यूनिट हैविंग ओनली पेंटोज शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस, उसको हम बोलते हैं आपका न्यूक्लियोसोम, ठीक है। अगर आपकी यूनिट हो जिसमें आपका पेंटोज शुगर प्रेजेंट हो, नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट हो और फॉस्फेट ग्रुप भी प्रेजेंट हो, इस तरह की यूनिट को हम बोलते हैं आपका न्यूक्लियोसाइड होगा, दिस इज योर न्यूक्लियोसाइड। एंड जिसमें आपके तीनों चीजें प्रेजेंट हो उसको हम बोलते हैं आपका न्यूक्लियोटाइड। एक तो डिफरेंस यही पे क्लियर हो गया, न्यूक्लियोसाइड क्या है और न्यूक्लियोटाइड क्या है, ठीक है। अब देखो, जो आपके नाइट्रोजनस बेस होते हैं ये फर्दर आपके दो टाइप के होते हैं, एक तो होते हैं आपके प्यूरिन्स, दूसरे होते हैं आपके पाइरिमिडिन्स। तो प्यूरिन्स और पाइरिमिडिन्स में भी कुछ डिफरेंस होता होगा ना, तभी तो इनको अलग अलग किया है। तो डिफरेंस देखो, जो आपके प्यूरिन्स होते हैं होते हैं आपके डबल रिंग्ड, पाइरिमिडिन्स होते हैं आपके सिंगल रिंग्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। अब प्यूरिन्स में आपके क्या क्या आते हैं वो देखते हैं। प्यूरिन्स में आपके आते हैं एडेनिन और आपका ग्वानिन, ठीक है। फिर इसी के साथ आता है आपका एडेनिन के साथ हमेशा आपका बाइंड करता है, यानी कि एक पेयर फॉर्म करता है, वो होता है आपका थायमिन। थायमिन आपका पाइरिमिडिन है, ठीक है। देन उसके बाद आपका साइटोसिन, देन थर्ड है आपका यूरासिल। तो अब देखो, जो आपका डीएनए होता है, डीएनए के केस में तो एडेनिन के साथ बाइंड करता है आपका थायमिन, बट इन केस ऑफ आरएनए के केस में आपके एडेनिन के साथ बाइंड करता है आपका यूरासिल, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये मैं लिख देता हूं यहां पे, इन केस ऑफ आरएनए instead of thymine, uracil forms a base pair with adenine. Adenine के साथ आपका RNA में आपका uracil मिलता है instead of thymine की बजाय, ठीक है। अब देखो, जो आपका thymine है इसको एक और नाम दिया जाता है, that is 5-methyl uracil। तो ये देखते हैं कि जो आपकी ये यूनिट्स हैं वो एक दूसरे के साथ किस तरह से अटैच्ड होती है। तो मान लीजिए ये है आपकी एक पेंटोज शुगर, ठीक है। इसमें नंबरिंग कुछ इस तरह से, ये आपका फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, ये फोर्थ कार्बन। जो फर्स्ट कार्बन होता है उस पे अटैच्ड होता है आपका नाइट्रोजनस बेस, मान लीजिए ये है आपका एडेनिन, ठीक है। तो एक पेंटोज शुगर जिस पे एक नाइट्रोजनस बेस अटैच्ड है उस यूनिट को हम बोलते हैं न्यूक्लियोसाइट, ठीक है। फिर देखो, जो आपका थर्ड कार्बन होता है यहां अटैच्ड होता है आपका एक फॉस्फेट ग्रुप, ठीक। सिमिलरली जो आपका फोर्थ कार्बन है यहां एक आपका क्या होता है कार्बन, एंड उस कार्बन से अटैच्ड होता है आपका एक और फॉस्फेट ग्रुप इस तरह से, ठीक है। तो अब देखो,
जो ये आपका फॉस्फेट ग्रुप अटैच होने के बाद यूनिट बन गए, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। दिस इज योर न्यूक्लियोटाइड। अब ये देखते हैं कि एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से किस तरह अटैच होता है। तो मान लीजिए ये है आपकी एक और पेंटोज शुगर, ठीक है, ये उसका फर्स्ट कार्बन है, सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ कार्बन। फर्स्ट कार्बन से फिर से मान लीजिए आपका अटैच्ड एक नाइट्रोजनस बेस, सपोज लेट इट टू बी ग्वानिन, ये आपका ग्वानिन है, ठीक है। फिर अब देखो थर्ड कार्बन पे आपका क्या अटैच होगा, आपका एक फॉस्फेट ग्रुप, ठीक। अब जो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, आपका एक कार्बन, एंड ये आपका कार्बन होगा इसके साथ अटैच्ड, ठीक है। तो अब यहां देखो ये जो आपका फॉस्फेट ग्रुप है आपके नाइट्रोजनस बे, ये आपकी पेंटोज शुगर के साथ अटैच्ड, आपका ये फॉस्फेट ग्रुप आपकी पेंटोज शुगर से अटैच्ड है, तो इस बॉन्ड को बोलते जो इनको जोड़ता है वो आपका फॉस्फो एस्टर बॉन्ड, फॉस्फो एस्टर बॉन्ड, ठीक है। उसी तरह से आपका एक बॉन्ड ये यहां भी प्रेजेंट है, ये भी आपका क्या है, फॉस्फो एस्टर बॉन्ड, फॉस्फो एस्टर बॉन्ड, ठीक है। तो इन दो फॉस्फो एस्टर बॉन्ड को कलेक्टिवली मिलाकर हम बोलते हैं आपका फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड, डाइएस्टर बॉन्ड। तो अगर क्वेश्चन आ जाए, यहां से क्वेश्चन आ सकता है आपका कि जो आपकी दो न्यूक्लियोटाइड यूनिट्स होती है वो एक दूसरे के साथ कौन से बॉन्ड से अटैच होते हैं, तो आंसर होगा फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड, ठीक है। तो आप देखो जो आपका शुगर है उसके साथ आपका क्या अटैच है, नाइट्रोजनस बेस। तो नाइट्रोजनस बेस को शुगर के साथ जो बॉन्ड जोड़ता है यह है आपका ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। सिमिलरली ये भी आपका क्या है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। अब देखते हैं ये साइड से कैसे लिंक्ड होते हैं। तो मान लीजिए थोड़ा सा गैप देखें, ये इस तरह से, ये क्या है आपकी एक आपकी पेंटोज शुगर है, ये उसका फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, एंड ये फोर्थ, फोर्थ कार्बन से फर्दर एक फिफ्थ कार्बन अटैच्ड है, ठीक है। तो फर्स्ट कार्बन होता है जो उससे अटैच्ड होता है आपका एक नाइट्रोजनस बेस। तो एडेनिन के सामने हमेशा क्या आता है, एडेनिन के सामने हमेशा थायमिन आता है इन केस ऑफ डीएनए। तो यहां मान लीजिए आपका थायमिन है, तो जो आपका एडेनिन होता है वो थायमिन के साथ दो बॉन्ड फॉर्म करता है, ठीक है। फिर मान लीजिए आपकी जो फिफ्थ कार्बन है, फिफ्थ कार्बन पे क्या मिलेगा आपको, एक फॉस्फेट ग्रुप, ये इस तरह से मान लीजिए ये है आपका एक फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। तो अब देखो एक और यूनिट यहां मान लीजिए प्रेजेंट है आपकी इस तरह से, ये आपका हो गया एक पेंटोज शुगर, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, एंड ये फोर्थ कार्बन, ठीक। तो जो आपका थर्ड कार्बन होता है वह अटैच होता है आपका एक फॉस्फेट ग्रुप, ये इसी फॉस्फेट ग्रुप से अटैच होता है। फिर देखो जो आपका फर्स्ट कार्बन होता है यहां क्या प्रेजेंट होता है आपका एक नाइट्रोजनस बेस, तो ग्वानिन के सामने हमेशा क्या आता है आपका साइटोसिन। तो जो आपका ग्वानिन होता है वो साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड यानी कि तीन बॉन्ड फॉर्म करते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। एंड एक फॉस्फेट लगाना हम यहां भूल गए, जो आपका थर्ड कार्बन होता है यहां भी तो आपका एक क्या प्रेजेंट होता है, फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। सिमिलरली आपका जो फोर्थ कार्बन होगा इसका यहां क्या प्रेजेंट होगा, आपका एक कार्बन, और जिससे अटैच होगा आपका एक फॉस्फेट ग्रुप, ये इस तरह से, ठीक है। तो अब देखो ये आपका क्या है, एक फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, ये भी आपका एक फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, दोनों फॉस्फोएस्टर बॉन्ड को मिला के बोल देते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो ये इस तरह से लिंक्ड होता है, और जो बॉन्ड आपके दो नाइट्रोजनस बेस को जोड़ते हैं उनको हम बोलते हैं आपके हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। तो ये आपके कुछ इस तरह के यूनिट होते हैं। एंड वन थिंग, जो आपकी ये डीएनए की जो यूनिट्स इस तरह से जुड़ती है इनका डायमीटर होता है आपका 20 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो हम इसी के साथ देखते हैं आपका डीएनए का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट टॉपिक इज योर स्ट्रक्चर ऑफ
डीएनए, डीएनए का स्ट्रक्चर, और डीएनए का भी कौन सा स्ट्रक्चर आपका, डीएनए डबल हेलिक्स, डीएनए डबल हेलिक्स, ठीक है। ये स्ट्रक्चर डीएनए डबल हेलिक्स आपका दिया था वॉटसन एंड क्रिक ने, वॉटसन एंड क्रिक ने, शायद आपका 1953 में दिया था, मैं इस चीज के बारे में श्योर नहीं, तो आप चेक कर लेना, दिया था वॉटसन एंड क्रिक ने, ये श्योर है, ठीक है। तो अब देखो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, देखो सबका बनाने का अलग तरीका होता है, तो मैंने ये थोड़ा सा एक अलग तरीका ढूंढ रखा है ड्रॉ करने के लिए। ये इस तरह से डब्बे ड्रॉ करते जाओ और इससे आपका क्या बन जाएगा, डीएनए बन जाएगा। तो अब देखो इसमें क्या होगा, ये आपका डीएनए कुछ इस तरह से होता है आपकी हेलिक्स की फॉर्म, ये है आपका डीएनए हेलिक्स। तो इसमें आपको एक चीज दिख रही हो, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई दिखाता हूं। तो देखो जो ये आपकी ब्लैक कलर की जो ये दो रस्सी जैसी दिख रही, इनको हम बोलते हैं आपके स्ट्रैंड्स। तो डीएनए में दो स्ट्रैंड्स प्रेजेंट होते हैं, या फिर इन स्ट्रैंड्स को हम बोलते हैं आपका बैकबोन। तो जो आपके डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स होते हैं, ये बने होते हैं आपके फॉस्फेट और शुगर से। तो देखो थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड वर्जन, मान लीजिए यह है आपका फॉस्फेट, उसके साथ अटैच्ड एक शुगर, फिर एक फॉस्फेट अटैच्ड, फिर एक शुगर अटैच्ड, फिर एक फॉस्फेट अटैच्ड, ठीक है। सिमिलरली यहां भी आपका एक फॉस्फेट, ये आपका एक शुगर, ये एक फॉस्फेट, एक ये शुगर एंड देन एक फॉस्फेट। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों लाइनें क्या है, ये दोनों आपकी यही स्ट्रैंड्स है आपके डीएनए। तो जो आपके डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड्स होते हैं उनकी पोलैरिटी एक दूसरे से अपोजिट होती है, उनको हम बोलते हैं आपके एंटी पैरेलल। यानी कि एक स्ट्रैंड की पोलैरिटी होगी आपकी 5' to 3', तो दूसरे स्ट्रैंड की पोलैरिटी होगी आपकी 3' to 5', ठीक है। तो अब देखो जो आपके शुगर्स होते हैं उनसे अटैच्ड होते हैं नाइट्रोजनस बेस, मान लीजिए आपके एडेनिन है, तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस होगा वो क्या होगा आपका थायमिन। तो अपोजिट शुगर के साथ थायमिन यहां प्रेजेंट है। उसी तरह से मान लीजिए ये आपकी शुगर है, इस पे आपका साइटोसिन प्रेजेंट है, एंड साइटोसिन का कॉम्प्लीमेंट्री बेस है आपका ग्वानिन, ठीक है। और ये एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, ये दोनों दो बॉन्ड के साथ, ये दोनों तीन बॉन्ड के साथ, और जो बॉन्ड्स इनको जोड़ते हैं वो है आपके हाइड्रोजन बॉन्ड्स, पहले ही बता रखा है। तो ये आपका सिंप्लीफाइड वर्जन है आपके डीएनए हेलिक्स का, ठीक है। फिर देखो जो आपका डीएनए हेलिक्स होता है उसमें इस तरह से आपके कलरफुल दिखाते, थोड़ा सा मान लीजिए आपका 80 बॉन्ड्स को ब्लू कलर से शो करते हैं, एंड जीसी बॉन्ड्स को ग्रीन कलर से शो करते हैं, ये कुछ इस तरह से, ठीक है। ये इस तरह से इनमें क्या प्रेजेंट होते हैं आपके बेस पेयर्स। तो ये क्या है आपके, ये है आपके बेस पेयर्स, ठीक है। तो दो आपके जो बेस पेयर्स होते हैं, यानी कि जो आपका एक बेस पेयर ये, एक बेस पेयर ये, इन दोनों बेस पेयर के बीच में डिफरेंस होता है आपका 0.34 नैनोमीटर। तो लिख सकते हैं जो आपके दो कॉन्जिक्यूटिव बेस पेयर है इनके बीच में डिफरेंस है आपका डिस्टेंस 0.34 नैनोमीटर, ठीक है। फिर जो आपका एक हेलिक्स होता है उसकी एक पिच होती है, वो होती है आपकी 3.4 नैनोमीटर की, पिच ऑफ हेलिक्स, पिच ऑफ हेलिक्स, हेलिक्स की पिच होती है आपकी 3.4 नैनोमीटर की। अगर आपके हेलिक्स के डायामीटर की हम बात करें, डायामीटर, तो डायामीटर होता है इनका 20 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो यहां तक आपको चीज समझ आई होगी कि क्या आपकी पिच होती है, क्या बेस पेयर के बीच पर डिफरेंस होता है, क्या आपका डायामीटर होता है। फिर यहीं पे देखो जो आपके दो स्ट्रैंड्स है, ठीक है, तो डीएनए में कितने स्ट्रैंड्स होते हैं आपके, डीएनए में होते हैं आपके दो स्ट्रैंड्स, ठीक है। तो देखो ये आपके दोनों के दोनों स्ट्रैंड्स ऐसे नहीं है कि दोनों ही सेम हो, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। एक स्ट्रैंड तो इनमें ऐसा होता है जो इंफॉर्मेशन कैरी करता है
और एक स्ट्रैंड ऐसा होता है जो इंफॉर्मेशन कैरी नहीं करता, ठीक है। तो दो स्ट्रैंड है, उनमें से एक स्ट्रैंड होता है और एक उससे थोड़ा अलग होता है। जो एक स्ट्रैंड जिसमें आपकी इंफॉर्मेशन कैरिंग होती है उसको हम बोलते हैं आपका टेम्पलेट स्ट्रैंड, टेम्पलेट स्ट्रैंड, ठीक है, या फिर उसको हम बोलते हैं आपका नॉन कोडिंग, या बोलते हैं उसको एंटी सेंस स्ट्रैंड, ठीक है। फिर जो आपका स्ट्रैंड आपकी इंफॉर्मेशन कैरी नहीं करता उसको हम बोलते हैं आपका नॉन टेम्पलेट, नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड, या फिर कोडिंग स्ट्रैंड, या फिर आपका सेंस स्ट्रैंड, ठीक है। तो इनमें से ये देखते हैं कि आपका टेम्पलेट स्ट्रैंड कौन सा होगा, नॉन टेम्पलेट कौन सा। तो जिस स्ट्रैंड की पोलैरिटी होगी 3' से 5' वो होगा आपका टेम्पलेट स्ट्रैंड, और जिसकी पोलैरिटी होगी आपकी 5' टू 3' वो होगा आपका नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो इसी के साथ आपका जो डीएनए का बेसिक जो स्ट्रक्चर था वो कंप्लीट होता है। एंड वन थिंग दैट आई फॉरगॉट टू मेंशन, देखो जो आपका हेलिक्स का एक टर्न होता है उसमें आपके 10 बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं, 10 पेयर्स ऑफ बेस पेयर, ठीक है। तो इसमें आपके 10 आपके बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। एंड इसकी पिच की, हेलिक्स की पिच होती 3.4 नैनोमीटर, और दो बेस पेयर के बीच में डिफरेंस इतना 0.34 नैनोमीटर, एंड जो आपका डायमीटर होता है 20 एंगस्ट्रॉम होता है। देखो कई बार आपको इस तरह भी मिल जाता है, जो आपका 0.34 नैनोमीटर है इसको हम एंगस्ट्रॉम में लिख सकते हैं आपका 3.4 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, और आपकी जो पिच है उसको हम लिख सकते हैं आपका 34 एंगस्ट्रॉम। तो ये एंगस्ट्रॉम में भी मिल सकता है, नैनोमीटर में भी मिल सकता है, तो इस चीज को लेकर कंफ्यूज नहीं होना। तो इसी के साथ आपका डीएनए का बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट होता है। अब देखते हैं आपके जो डीएनए के टाइप्स होते हैं वो किस तरह से होते हैं। तो अब देखते हैं आपके टाइप्स ऑफ डीएनए, टाइप्स ऑफ डीएनए, आपके डीएनए के कितने टाइप होते हैं। एक होता है आपका ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, देन डी डीएनए, एंड लास्ट होता है आपका जेड डीएनए। देखो इनमें से सबसे कॉमन होता है आपका बी डीएनए, मोस्ट कॉमन। ह्यूमंस में भी जो डीएनए मिलता है वो आपका बी डीएनए ही होता, ठीक है। जो आपका जेड डीएनए होता है उसको हम बोलते हैं आपका ज़िगज़ैग डीएनए, ठीक है। तो अब इनमें फीचर्स देखते हैं क्या क्या होते हैं। फर्स्टली हो सकता है इनमें आपका कोइलिंग किस टाइप की होती है, कोइलिंग पे बेसिस पे, ठीक है। तो आपका ए डीएनए होता है उसमें होती है आपकी राइट हैंडेड कोइलिंग, ठीक है, बाकी सब में होती है आपकी लेफ्ट हैंडेड कोइलिंग, लेफ्ट हैंडेड, लेफ्ट हैंडेड, देन लेफ्ट हैंडेड इसमें भी आपकी, एंड जेड डीएनए में भी आपकी लेफ्ट हैंडिंग कोइलिंग, हैंडेड कोइलिंग, ठीक है। देन इसके बाद नेक्स्ट फीचर आता है आपका डायमीटर का, डायमीटर, ठीक है। तो बी डीएनए का तो हमें डायमीटर ऑलरेडी अभी देखा कितना होता है आपका 20 एंगस्ट्रॉम, देन इसका आपका होता है ए डीएनए का 23 एंगस्ट्रॉम, देन आपका सी डीएनए का 19 एंगस्ट्रॉम, दिस इज आल्सो 19 एंगस्ट्रॉम, एंड जेड डीएनए आपका 18.4 एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट फीचर आता है आपका लेंथ ऑफ हेलिक्स। तो देखो लेंथ ऑफ हेलिक्स में जो आपका ए डीएनए होता है उसकी होती है आपकी 28 एंगस्ट्रॉम, आपका बी डीएनए होता है उसकी होती है आपकी 34 एंगस्ट्रॉम, सॉरी दिस इज 31 एंगस्ट्रॉम, आपका ये आपका बी डीएनए ना, तो बी डीएनए की तो हमने अभी देखी थी आपकी 34 एंगस्ट्रॉम होती है, देन सी डीएनए की आपकी 31 एंगस्ट्रॉम, देन आपकी डी डीएनए की 24 एंगस्ट्रॉम, और आपकी जेड डीएनए की 45.6 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो इसी के बाद नेक्स्ट आपका जो फीचर आता है वो है आपका नंबर ऑफ बेस पेयर्स,
तो बी डीएनए का तो हमें सब कुछ पता ही है, तो इसमें बेस पेयर कितने होते हैं आपके? 10 बेस पेयर्स। ए डीएनए में 11 बेस पेयर्स, देन आपके सी डीएनए में 9 बेस पेयर्स, आपके डी डीएनए में 8 बेस पेयर्स, एंड लास्ट आपके जेड डीएनए में आपके 12 बेस पेयर। तो इन्हीं फीचर के डिफरेंसेस के बेसिस पे आपके अलग अलग टाइप के डीएनए होते हैं। इनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका, वो है आपका बी डीएनए। और बी डीएनए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आपका ह्यूमंस में भी बी डीएनए ही मिलता है, तो इसके फीचर्स के बारे में आपको पता होगा सबसे ज्यादा जरूरी है। तो अब देखो, एक चीज आपको समझ आएगी कि जो आपका डीएनए होता है ना, जो आपका ह्यूमन डीएनए होता है, उसकी लेंथ काफी ज्यादा है। इट इज नियर अबाउट 2.2 मीटर लॉन्ग। ठीक है, ये इतना लंबा है, तो इसको समेटने के लिए इसको पैकेजिंग की भी तो जरूरत होगी। तो इसकी पैकेजिंग किस तरह से होती है वो देखते हैं आपका पैकेजिंग। ठीक है, तो देखो, जो आपके प्रोकैरियोट्स होते हैं, प्रोकैरियोट्स, ठीक है, और दूसरे होते हैं आपके यूकारियोट्स। दोनों में ही हम देखेंगे आपकी इसकी पैकेजिंग, यूकारियोट्स। ठीक है, तो देखो, जो आपका डीएनए है वो कैसा सब्सटेंस है आपका? एसिडिक है, ठीक है, और निगेटिवली चार्ज्ड है, निगेटिवली चार्ज्ड, ठीक है, निगेटिवली चार्ज्ड है, एसिडिक है। तो इसके इस एसिडिक नेचर को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो आपके प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनमें प्रेजेंट होते हैं इनकी पैकेजिंग के लिए पॉलीएमाइंस। ठीक है, फिर जो आपके यूकेरियोट्स होते हैं, उनमें प्रेजेंट होते हैं आपके हिस्टोन प्रोटीन्स, हिस्टोन प्रोटीन्स। तो हिस्टोन प्रोटीन्स देखते हैं, आपके 5 टाइप के ये होते हैं, H1, H1A, H2B, then H3 और आपका H4। ये आपके 5 टाइप के हिस्टोन होते हैं। ठीक है, इन 5 हिस्टोन्स में से आपके जो ये 4 हिस्टोन्स होते हैं, ये आपके इनकी दो दो मतलब इनकी यूनिट्स प्रेजेंट होती है, 2 यूनिट्स ऑफ ईच कंबाइन टू फॉर्म अ ग्लोबुलर यूनिट, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर। इन चारों की दो दो यूनिट लेके एक ग्लोबुलर स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, जिसको हम बोलते हैं आपका न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम। ठीक है, तो देखते हैं किस तरह का होता है। मान लीजिए ये है आपका H1A हिस्टोन, इसी के पीछे इसकी एक यूनिट और प्रेजेंट होगी, तो इसकी 2 यूनिट होगी, फिर इसी के साथ में इसका प्रेजेंट होता है आपका H2B हिस्टोन, इसकी सेकेंड यूनिट भी इसी के साथ प्रेजेंट होगी। ठीक है, फिर प्रेजेंट होता आपका H3 हिस्टोन, सिमिलरली इसकी भी यूनिट प्रेजेंट होगी, एंड फोर्थ प्रेजेंट होगा आपका H4 हिस्टोन, इसकी भी एक डबल, इसके एक और यूनिट प्रेजेंट होगी। तो इस तरह से इन चारों की क्या होती है? डबल यूनिट प्रेजेंट होती है। एंड ये मिलके देखो किस तरह का स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे, ग्लोबुलर सा स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं आपका हिस्टोन ऑक्टामर, यह है आपका हिस्टोन ऑक्टामर। ठीक है, तो अब जो ये हिस्टोन ऑक्टामर इन प्रोटीन से फॉर्म होता है, इस हिस्टोन ऑक्टामर, मान लीजिए ये जो है गोला आपका दिखाया गया, इस हिस्टोन ऑक्टामर पे आपका डीएनए लपेटा जाता है इस तरह से। ये मान लीजिए ये है आपका इस तरह से डीएनए, ये हो गया इस पे डीएनए। ठीक है, तो ये क्या है आपका, सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस, ये है आपका हिस्टोन ऑक्टामर, और इस हिस्टोन ऑक्टामर पे रैप्ड क्या है आपका, हिस्टोन ऑक्टामर रैप्ड बाय नेगेटिवली चार्ज्ड डीएनए, नेगेटिवली चार्ज्ड डीएनए इस पे जुड़ा हुआ है आपका, नेगेटिवली चार्ज्ड डीएनए। फिर देखो
यही पे प्रेजेंट होता है आपका H1 जो हिस्टोन प्रोटीन होता है, ये ग्रीन कलर से जो शो किया है ये है आपका H1 हिस्टोन प्रोटीन, दिस इज H1 हिस्टोन, या फिर इसको बोला जाता है आपका लिंकर हिस्टोन, लिंकर हिस्टोन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये आपके दो न्यूक्लियोसोम्स को जोड़ने का काम करता है। तो जो हिस्टोन ऑक्टामर पे डीएनए रैप होने के बाद जो यूनिट फॉर्म होती है इसको हम बोलते हैं आपका न्यूक्लियोसोम, ठीक है। तो इसी तरह से मान लीजिए यहां पे आपका एक और न्यूक्लियोसोम है, सिमिलरली इस पे भी आपके इसी तरह से आपका डीएनए होगा, वो अटैच होगा कुछ इस तरह से ही, जिस तरह से आपके पहले वाले यूनिट पे है, ठीक है। तो यही तो आपका डीएनए जाएगा ना, ये कुछ इस तरह से। तो देखो जो आपका सॉरी ये तो आपका पीछे से आया है जो इस पे अटैच हो रहा है इस तरह से, ये कुछ इस तरह, ठीक है। तो देखो जो आपका डीएनए इन दो न्यूक्लियोसोम यूनिट्स के बीच में प्रेजेंट है इसको हम बोलते हैं आपका लिंकर डीएनए, ये है आपका लिंकर डीएनए। तो देखो ये हो गया आपका न्यूक्लियोसोम के बारे में। देखो कई बार जो आपका हिस्टोन ऑक्टामर होता है इसको न्यूक्लियोसोम कोर के नाम से भी जाना जाता है, न्यूक्लियोसोम कोर। तो यहां तक कि आपको चीजें समझ आएंगी। अब देखो क्या होता है, देखो मान लीजिए यही दिखा देता हूं आपका थोड़े से स्पेस में, ये है आपका डीएनए, ठीक है। इस ये जो आपका डीएनए होगा ये रैप करेगा आपके न्यूक्लियोसोम को इस तरह से, ये कुछ इस तरह से, ये कुछ इस तरह से आपका न्यूक्लियोसोम पे मतलब आपके जो हिस्टोन ऑक्टामर है उनपे आपका डीएनए रैप करेगा, इनसे फॉर्म होगा आपका न्यूक्लियोसोम। देखो जो आपका न्यूक्लियोसोम होगा कुछ इस तरह के पेरेंस दे रहा है, जैसे कि आपके जो मोती होते हैं वो एक माला में पिरोए गए, यानी कि बीड्स ऑन स्ट्रिंग अपियरेंस, बीड्स ऑन स्ट्रिंग अपियरेंस, ठीक है। फिर देखिए जब ये आपके न्यूक्लियोसोम यानी कि जो बीड्स ऑन स्ट्रिंग जो ये आपकी चेन है इस तरह जिसपे आपके न्यूक्लियोसोम अटैच, ये कंडेंस होना शुरू करती है, ये मान लीजिए कुछ इस तरह से आपकी कंडेंस होना शुरू करेगी, सॉरी ये ब्लैक कलर से दिखाना था हमें, रेड से सॉरी। तो देखो ये जब ये डीएनए आपका इस तरह से कंडेंस होना शुरू करेगा जिसपे आपके क्या प्रेजेंट है, आपके इस तरह से न्यूक्लियोसोम प्रेजेंट है थ्रू आउट द एंटायर लेंथ ऑफ द डीएनए, इस तरह से पूरी लेंथ पे क्या प्रेजेंट है आपके डीएनए, ये इस तरह से प्रेजेंट। तो इसको हम बोलते हैं कोइलिंग को, आपका फॉर्म जो होता है इसमें क्या हुआ आपकी कोइलिंग, एंड इस कोइलिंग के बाद आपका फॉर्म हुआ सोलेनोइड, ठीक है। फिर इस सोलेनोइड में अगर फर्दर और ज्यादा कोइलिंग होगी उससे फॉर्म होगा आपका सुपर सोलेनोइड, ठीक है। देन उस सुपर सोलेनोइड में अगर फर्दर कोइलिंग इसमें होगी तो उससे फॉर्म होगा आपका क्रोमेटिन, ये इस तरह से। तो मान लीजिए ये फॉर्म हो गया आपका, ये है आपका दिस इज योर क्रोमेटिन, ठीक है। देन क्रोमेटिन से आपका क्या फॉर्म होगा, मान लीजिए यह है आपका क्रोमेटिन और इससे फॉर्म होगा आपका क्रोमोजोम। तो क्रोमेटिन से आपका क्या फॉर्म हो गया, ये लास्ट में क्रोमेटिन से आपका फॉर्म हो गया क्रोमोसोम, दिस इज योर क्रोमोसोम। सो गाइस आई होप कि आपको ये चीजें समझ आई होंगी जो भी बताई गई है। फिर देखो जो आपका ये क्रोमेटिन होता है ये फर्दर आपका दो टाइप का होता है, एक तो होता है हेटेरोक्रोमेटिन, हेटेरोक्रोमेटिन, ठीक है। हेटेरोक्रोमेटिन आपका कैसा होता है, आपका डेंसली पैक्ड, डेंसली पैक्ड, डार्कली डार्क स्टेन्ड, ठीक है, डार्क स्टेन्ड होता है। और ये कैसा होता है आपका ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव, ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव, ट्रांसक्रिप्शनली ये होता है आपका इनएक्टिव। फिर यही पे दूसरे टाइप का आपका क्रोमेटिन आता है जिसको बोलते हैं आपका यू क्रोमेटिन, यू क्रोमेटिन। जो आपका यूक्रोमेटिन होता है ये कैसा होता है, आपका लूजली पैक्ड होता है, आपका
लाइटली स्टेन्ड होता है, लाइटली स्टेन्ड होता है, एंड ये होता है आपका ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, ठीक है, उसको बोलते हैं आपका यूक्रोमेटिन, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव। ये चीज इंपॉर्टेंट है, यू का मतलब होता है आपका ट्रू क्रोमेटिन। तो इसी के साथ अपना जो डीएनए वाला पार्ट था वो फिनिश हो गया। अगर इसमें से आपको कोई भी चीज ना समझ आई जो अब बताया इससे पहले बताया, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए थोड़ा सा जो चीज ना समझ आई वीडियो को रिवाइंड करो, दोबारा देखो एंड समझने की कोशिश करो। सो गाइस कीप लर्निंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।